कल आपकी मैं स्पीच सुन रहा था नो मनी फॉर टेरर उसमें आपने एक बहुत बड़ी बात की उसने कहा कि आपने कहा कि देश में जो पूरी दुनिया में जो संगठन है उन सबको एक साथ आना चाहिए पी पर आप लोगों ने बैन लगाया लेकिन लॉन्ग लॉन्ग टर्म वे पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि ऐसे संगठन मशरूम और ना हो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई देखिए जब संगठन विजिबल तरीके से सामने आता है और प्रस्तापित हो जाता है कि अब इस समाज सेवी संगठन नहीं रहा भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बना है तभी देश के युवाओं को गुमराह कर आतंकवाद की ओर धकेलने का काम कर रही थी वो सब रिकॉर्डियों से प्रस्तापित होने के बाद भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में फैसला लिया है पीएफआई को बैन कर दिया जाए और देश की सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया आपने कल एक और चीज कही वो ये थी कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और आपने ये कहा कि सभी मुल्कों को इस पर एक साथ आना चाहिए आ, क्या आपको लगता है कि वो ट्रांसपेरेंसी दुनिया के और देशों की तरफ से अभी थोड़ी कम दिख रही है देखिए कई बार देखता है दिखे, देखने में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हावी होते हैं कल मैंने ये कहा है कि बियॉन्ड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट सबने मेरिट्स में ट्रांसपेरेंसी के साथ आतंकवादी और आतंकवाद के खिलाफ की मुहिम को मजबूत करना चाहिए और मैं अपने बयान पर कायम हूं सबने अपने अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का काम करना चाहिए आ, क्योंकि अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का और इसके लिहाज से एक सवाल जो अरविंद केजरीवाल हमेशा जब भी राम मंदिर का जिक्र होता है या उससे जुड़ी हुई कोई बात होती है तो वो अपना एक कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आ जाते हैं और कई उसके उदाहरण दे रखे हमने जब आपने भूमि पूजन किया तो अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने उसका एक डेमो बना दिया फिर कई लोगों को उन्होंने अयोध्या भेज दिया इस बार वो लेकर आए गणेश लक्ष्मी कि नोट पर गणेश लक्ष्मी होना चाहिए क्या कहेंगे आप इस पर देखिए मेरी कोई टिप्पणी नहीं है देश की जनता तय करेगी इस तरह से के कारण पॉपुलैरिटी मिल सकती है नहीं मिल सकती है धर्म के प्रति श्रद्धा का जो सवाल है कोई एक स्टेटमेंट से कभी व्यक्त नहीं हो सकती इसका बड़ा लंबा इतिहास होता है व्यक्ति का और पार्टियों का और मुझे लगता है कि इसके आधार पर ही देश की जनता निर्णय करती है अब पांच तारीख को चुनाव समाप्त हो जाएंगे आठ को काउंटिंग भी हो जाएगा और देश की गुजरात की जनता इस पर अपना फैसला भी सुना देगी आ, एक ऐसा सवाल जो शायद आपसे अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन मैं जरूर जानना चाहूँगा पूरी दुनिया में एक अजीब सा ट्रेंड है और वो ट्रेंड है हिंदू फोबिया को लेकर लेसेस्टर में हमने देखा अभी किस तरीके से चीजें हुई आ, और जो चीज़ें पहले सिर्फ हम बांग्लादेश पाकिस्तान या अफगानिस्तान में देखते थे अब वो हम जर्मनी में देखते हैं इंग्लैंड में देखते हैं कनाडा में देखते हैं आपकी इस पर क्या राय है देखिए फोबिया जिनको होता है उनके लिए प्रॉब्लम होता है जिनके लिए होता है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो क्या, इसको, इसको आप लोग जो जिस तरीके से हेट क्राइम बढ़ रहे हैं उसको लेकर आप लोग इंटरनेशनल मंच पर आ, काफी कुछ कर रहे हैं देखिए इंटरनेशनल मंच पर क्या बात करनी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं कहा जा सकता और मुझसे तो नहीं ही कहलवा सकते तो वो जब मंच पर हम जाएंगे तब बताएंगे भारत की नीति क्या है मेरे दो सवाल हैं ये पर्सनल सवाल हैं इतना व्यस्तता है इतना सब कुछ है आ, घर के लिए आप टाइम निकाल पाते हैं बिल्कुल टाइम निकलता है मेरे परिवार में किसी को कोई फरियाद नहीं है मेरी दोनों पोतियों को भी जरा भी फरियाद नहीं है मैं पूरा टाइम देता हूँ और आप तो देश के होम मिनिस्टर हैं जो आपके घर के होम मिनिस्टर हैं उनके लिए भी टाइम होता है जी बिल्कुल वो पूरी तरह से मेरी पत्नी मेरे हर प्रकार के प्रयास में मदद करती है और वो मदद के कारण ही काफ़ी कुछ हो पाता है जब आप हमेशा इतने क्रिटिसिज्म के निशाने पर रहते हैं तो घर में क्या रिएक्शंस होते हैं आदत हो गई है हमारे घर में राजनीति की कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि मेरे अलावा कोई राजनीति में है ही नहीं मैं अकेला राजनीति में है तो चर्चा किसके करूँ बाकी सारे लोग हम परिवार की ही बात करते हैं अमित शाह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमसे बातचीत की